हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड हेल्दी सो आई वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर एंड द पेरेफेरल डिवाइसेस इट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम सो लेट्स बिगिन विद नोइंग व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर सो एक माइक्रो कंप्यूटर एक रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव और छोटा कंप्यूटर है ये हम कह सकते हैं और इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं इसके जैसे कंप्यूटर में होते सी पी होता है मेमोरी होता है इनपुट डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइज़ होती है उसी तरह इसमें भी सी की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है एंड उसके अलावा मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइज़ इसमें भी होती हैं देर कैन बी फ्यू एग्ज़ाम्पल्स ऑफ माइक्रो कम्प्यूटर्स जैसे कि इंटल का एट कंट्रोलर है ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है इसके अलावा आई बी और एप्पल का मैकेंटॉश कंप्यूटर जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम एक जनरल एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं जैसे अभी हम लोगों ने पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि इसमें सी होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं मेमोरी होती है एग्जैक्टली exactly वही चीज़ें यहाँ पर हैं इसके साथ ही हम यहाँ पर दो चीज़ें और ऐड होती हुई देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा बस और एड्रेस बस का रोल है ठीक है जैसे सी पी यू इनपुट आउटपुट पोर्ट से अटैचड है मेमोरी से अटैच है उसी तरह सी पी यू इनपुट आउटपुट पोर्ट और मेमोरी ये तीनों ही चीज़ें डेटा बस और एड्रेस बस से भी अटैचड हैं राइट यहाँ पर एक बस नहीं दिखाई गई दैट इज़ कंट्रोल बस और उसका काम मेनली टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे सो दीज आर द बेसिक ब्लॉक्स विच अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिटेल में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं वॉट इज मेमरी वील मूव टू वेरियस ब्लॉक्स ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम सो मेमोरी मेमोरी बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द रैम एंड रोम। यू ऑल नो कि अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करने की बात करें मेमोरी को तो uh, इट कंसिस्ट ऑफ़ टू टाइप ऑफ मेमोरीज इट्स रैम एंड रोम तो इसी तरह यहाँ पर भी इट्स इट्स कंसिस्ट ऑफ़ रैम एंड रोम और इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हम चाहते हैं कि कंप्यूटर परफॉर्म करे उन इंस्ट्रक्शंस को uh, कुछ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करके बेसिकली कन्वर्ट करने का काम मेमोरी का नहीं होता है कन्वर्ट होने के बाद उनको स्टोर करने का जो काम होता है वो मेमोरी का होता है राइट right? और इसका सेकेंड पर्पज़ क्या होता है कि जो बाइनरी कोडेड डेटा है जिससे कंप्यूटर कार्य कर रहा है या करने जा रहा है उसको भी मेमोरी ही स्टोर करता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है इनपुट आउटपुट सेक्शन दैट इज़ आईओ सेक्शन तो आईओ uh, सेक्शन का, का काम क्या होता है ये कंप्यूटर को आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि जो यूज़र है कंप्यूटर के बाहर यूज़र ही है जो कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है तो यूज़र से डेटा लेने और यूज़र को डेटा प्रोवाइड करना में हेल्प करता है अलाउ करता है उसके लिए तो मैनी पेरीफेरल डिवाइसेस सच कीबोर्ड प्रिंटर्स ये कनेक्टेड होते हैं आईओ पोर्ट पे और ये काम करते हैं इनपुट या आउटपुट डिवाइस की तरह एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द माइक्रो प्रोसेसर और वी शुड से सीपीयू तो यहाँ पे सीपीयू इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर तो uh, जैसे कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीपीयू वैसे ही माइक्रो कंप्यूटर के लिए हमने उसको माइक्रो प्रोसेसर बोल दिया है सीपीयू को तो इसका मेन काम क्या होता है ये मेमोरी से मेमोरी से बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का जो बाइनरी कोडेड फॉर्म है बाइनरी में कन्वर्ट किया गया फॉर्म है उसको लेता है और उसको डी करता है सिंपल एक्शंस के फॉर्म में कि बेसिकली कंप्यूटर को क्या परफॉर्म करना है उसमें वो डी करता है ऐसी लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझ सके और उसके बाद इन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को परफॉर्म करने में कंप्यूटर की मदद करता है तो ये जो सी है इसमें एक एड्रेस काउंटर बोले या हम या फिर ये बोले कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी एडेड होता है या कंटेन्स दैट थिंग और इसका काम ये जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर या एड्रेस काउंटर होता है इसका काम होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हम मेमोरी से फेच करने वाले हैं जो मेमोरी से लेने वाले हैं उसके एड्रेस को होल्ड करता है अब हम जो तीन प्रकार की बसेस के बारे में हमने अभी देखा था एड्रेस बस डेटा बस जो हमने डायग्राम में देखा था और कंट्रोल बस विच वॉज़ हिडन देयर इनके बारे में देखेंगे तो एड्रेस बस का काम क्या होता है एड्रेस बस बेसिकली क्या होती है कुछ पैरल सिग्नल लाइंस होती हैं ये और ये डिपेंड करती है कि कौन सा माइक्रो प्रोसेसर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं जैसे एट जीरो एट फाइव जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि सोलह लाइंस होती हैं वहाँ पे जो एड्रेस बस होता है वो सोलह बिट का होता है तो इस एड्रेस बस का काम क्या होता है कि इन्हीं लाइंस पर जो सीपीयू है वो मेमोरी लोकेशन जिस पे हमें राइट करना है या फिर जिससे हमें रीड करना है डेटा उसके एड्रेस को भेजता है ठीक है एड्रेस बस पर मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को सीपीयू भेजता है तो सीपीयू uh, कितने नंबर ऑफ़ एड्रेस कितने नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर सकता है ये एड्रेस लाइन के नंबर पर डिपेंड करता है जैसे मान लीजिए एन नंबर ऑफ़ लाइन्स हैं तो सी पी यू के एड्रेस टू टू दावर एन मेमोरी लोकेशंस ठीक है एट जीरो एट फाइव के केस में अभी हमने क्या बोला था इट इज़ सिक्सटीन लाइन्स तो यहाँ वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि टोटल मेमोरी लोकेशन जिसको सीपीयू एक्सेस कर सकता है वो है टू टू द पावर सिक्सटीन यानी कि सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स देन कम्स द डेटा बस तो डेटा बस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द एट सिक्सटीन और थर्टी टू पैरल सिग्नल लाइन्स बिल्कुल एड्रेस बस की तरह बस एक अंतर यहाँ पर क्या है नंबर में तो डेफिनेटली अंतर है ही उसके अलावा एक अंतर ये भी होता है कि वहाँ जो हम लोगों ने एड्रेस लाइंस देखी थी उस पर क्या कर रहा था सी पी यू ऑलवेज सेंड्स आउट द डेटा द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन सी पी यू ऑलवेज सेंड्स आउट दैट थिंग ऑन द एड्रेस बस पर यहाँ पर दैट मीन्स वहाँ वो यूनिट डरेक्शन हो गया पर यहाँ पर डेटा बस लाइन्स आर ऑलवेज बाई डायरेक्शनल इसमें सी पी यू का काम ये है इस बस की हेल्प से वो क्या कर रहा है कि मेमोरी से डेटा को ले भी पा रहा है और उस पर सेंड भी कर पा रहा है वहाँ वो एड्रेस जो था मेमोरी लोकेशन का उसको सिर्फ सेंड कर रहा था यहाँ पे डेटा की बात आ रही है तो डेटा को रीड भी कर रहा है यानी ले भी रहा है और राइट करने के लिए दे भी रहा है यानी भेज भी रहा है ठीक है देन कम्स दी वेरी इंपॉर्टेंट बस विच इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल बस इसमें जनरली चार से छः पैरल सिग्नल लाइन्स होती हैं और सी कंट्रोल बस पर मेमोरी डिवाइस या पोर्ट डिवाइस बात करें जिसको एड्रेस किया गया है उसके आउटपुट को इनेबल करने के लिए सिग्नल भेजता है ठीक है तो टिपिकल कंट्रोल बस सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम चार तरीके से बांट सकते हैं ब्रॉडली बात करें तो दो तरीके से दो तरीके के ऑपरेशन हो सकते हैं या तो मेमोरी ऑपरेशन होगा या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा अब इन्हीं दोनों सेक्शंस में मेमोरी ऑपरेशन हो या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो या तो वो रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा तो बेसिकली चार तरह के ऑपरेशन uh, होते हैं और चार तरह के सिग्नल्स कंट्रोल बस जनरेट करता है वो है मेमोरी रीड मेमोरी राइट आईओ रीड और आईओ राइट अब सी पी यू में क्या क्या कॉम्पोनेंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं तो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डाइग्राम ब्लॉक डाइग्राम सी पी यू के मेन तीन कॉम्पोनेंस या तीन सेगमेंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है और वो है ए एल यू अरेथमेटिकलॉजिक यूनिट CU is इज़ दी कंट्रोल यूनिट एंड register रजिस्टर तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ अरिथमेटिक यानी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड लॉजिक यूनिट है तो कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में बात हो रही है तो so, ये जो यूनिट है इस ये डेटा पर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और वो ऑपरेशन या तो अर्थमेटिकल हो सकते हैं या लॉजिकल हो सकते हैं जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड लाइक दैट और इधर अगर हम लोग बात करें लॉजिकल की तो एंड और एग्जोर एंड सो ऑन देन कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या करता है माइक्रो कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं उन सभी ऑपरेशंस के लिए टाइमिंग सिग्नल फॉर डिसिंक्रोनाइजेशन एंड कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत होती है तो उस इम्पॉर्टेंट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को प्रोवाइड करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का ये माइक्रो प्रोसेसर और उसकी मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है और मेनली दो टास्क है जो ये परफॉर्म करता है पहला है सीक्वेंसिंग एंड दूसरा है एग्जीक्यूशन देन कम्स थी रजिस्टर एरे तो रजिस्टर एरे में क्या होता है वेरियस uh, रजिस्टर्स होते हैं और इनका काम होता है डेटा को टेम्परली स्टोर करना डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं और ये डिपेंड भी करते हैं कि कौन से माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और थ्रू आउट दी एग्जीक्यूशन ऑफ़ द प्रोग्राम ये डेटा को टेम्प्रोली स्टोर करते हैं और यूज़र कैन एक्सेस दोज रजिस्टर्स सो वेरियस जनरल पर्पज़ रजिस्टर ऑफ एट जीरो एट फाइव इंक्लूड्स बेसिकली बी सी डी ई एच एल ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं इसके एंड ए इज़ दी एक्मिलेटर ऑफ एट ज़ीरो एट फाइव सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कम्प्यूटर जिसमें हमने माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डाइग्राम देखा और इसी के साथ एक टॉपिक और देखा कि इसका जो मेन पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर उसको जनरली हम डिवाइड करना चाहें तो ब्रॉडली उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं तो तीन सेक्शंस होते हैं उसमें ए एल यू सी यू एंड रजिस्टर है तो uh, ये इट वाज ऑल अबाउट द माइक्रो कंप्यूटर और आगे की सीरीज़ में हम लोग इसी चैप्टर के आगे के uh, टॉपिक्स को पढ़ेंगे थैंक यू सो मच